अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कॉस ए इंटू साइन बी माइनस सी, फिर माइनस प्लस कॉस बी साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस कॉस सी साइन ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो होगा, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। यहाँ पर ये पद है, इसका विस्तार करेंगे, इस पद का विस्तार करेंगे और इस पद का विस्तार करेंगे और गुणा करने के बाद सरल करेंगे। तो कॉस ए साइन बी माइनस सी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी प्लस ये कॉस बी साइन सी माइनस ए, ये भी साइन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्म पर है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फिर प्लस ये कॉस सी साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब गुणा करके आगे सरल करते हैं। कॉस ए साइन बी कॉस सी माइनस कॉस ए कॉस बी साइन सी प्लस कॉस बी साइन सी कॉस ए माइनस कॉस बी कॉस सी साइन ए प्लस कॉस सी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस सी कॉस ए और ये साइन बी। तो देखिए ये कॉस ए साइन बी कॉस सी, मान लेते हैं कि ये पहला पद है और अंत में देखिए ये कॉस सी कॉस ए साइन बी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव साइन के साथ में, ये नेगेटिव साइन के साथ में। इसी तरीके से ये जो पद है पहचानने के लिए मैं इसे दो नाम दे रहा हूँ, कॉस ए कॉस बी साइन सी, कॉस ए कॉस बी साइन सी, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन ए कॉस बी कॉस सी, ये ऋणात्मक है और ये जो है ये धनात्मक है, तो इस तरीके से सभी आपस में कैंसिल होकर के आ जाएगा ज़ीरो और यही राइट हैंड साइड है। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कॉस टू थीटा इंटू कॉस टू फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई, ये इक्वल टू होगा कॉस टू थीटा प्लस टू फाई के, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के पहले एक फार्मूला हम देख लेते हैं, जो कि पिछले अध्याय में ये देख चुके हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। इसका उपयोग करके ये लास्ट में जो दो पद हमें दिखाई दे रहे हैं उसे हम आगे सरल करेंगे। चलिए कॉस ऑफ टू थीटा कॉस ऑफ टू फाई और फिर ये प्लस साइन साइन ऑफ ए प्लस बी, ये पूरा ए है ये एंगल और ये एंगल बी है, तो इसे हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस फाई फिर प्लस थीटा प्लस फाई इंटू साइन ए माइनस बी, ए के स्थान पर है थीटा माइनस फाई माइनस बी, ये थीटा माइनस और ये माइनस फाई, कॉस टू थीटा इंटू कॉस टू फाई, देखिए ये माइनस फाई और ये प्लस फाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा साइन टू थीटा। इसी तरीके से
ये प्लस थीटा और ये माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पर माइनस फाइव है तो यहाँ पर हमें मिलेगा साइन ऑफ माइनस टू फाइव। अब चूंकि साइन ऑफ माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है तो ये हमें मिल जाएगा कॉस टू थीटा इंटू कॉस टू फाइव, फिर ये माइनस साइन टू थीटा साइन टू फाइव। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ये इस फॉर्म को बिलोंग कर रहा है, तो ये कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म पर है तो इसे हम लिखेंगे कॉस टू थीटा प्लस टू फाइव, और यही राइट हैंड साइड है जो कि हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस टू टाइम्स साइन ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, और ये अपॉन होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस टू कॉस ए प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये इक्वल टू टेन ए होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो सीधे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी इसका एक्सपेंशन लिखेंगे और साइन ऑफ ए माइनस बी इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, उसी तरीके से हर में कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी इसका हम विस्तार करके आगे सरल करेंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी ये होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर माइनस टू साइन ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, इसे आप लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और फिर ये माइनस टू कॉस ए है, फिर कॉस ए माइनस कॉस बी। अब लिखेंगे कॉस ऑफ ए माइनस बी लिखेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, आगे हल करते हैं। तो ये देखिए कि कॉस ए साइन बी ये धनात्मक है, कॉस ए साइन बी ये ऋणात्मक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा टू टाइम्स साइन ए कॉस बी, या फिर थोड़ी देर पहले हमने ये फार्मूला देखा था कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी सॉल्व करने पर मिलता है टू टाइम्स साइन ए कॉस बी, फिर ये माइनस टू साइन ए ये पद, इसी तरीके से माइनस साइन ए साइन बी और ये प्लस साइन ए साइन बी ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा टू कॉस ए कॉस बी। तो आपने ये पढ़ा है कि कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी ये हमें मिलता है टू टाइम्स कॉस ए कॉस बी, आप देख रहे हैं। फिर ये माइनस टू कॉस ए, अब इन दोनों पदों में टू टाइम्स साइन ए ये कॉमन है तो टू टाइम्स साइन ए यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा कॉस बी माइनस वन, और हर में टू टाइम्स कॉस ए को हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर आएगा कॉस बी माइनस वन, तो ये कॉस बी माइनस वन और अंश में और ये हर में दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली हमें यहाँ पर मिल रहा है साइन ए अपॉन कॉस ए, ये होगा टेन ए के बराबर, और यही राइट हैंड साइड है जो कि हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कॉस ए इंटू कॉस ऑफ पाई बाई थ्री माइनस ए इंटू कॉस ऑफ पाई बाई थ्री प्लस ए, ये इक्वल टू होगा वन बाई फोर इंटू कॉस थ्री ए के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करते हैं। ये दोनों एंगल थोड़े टर्म में सिमिलर हैं कि ये पाई बाई थ्री माइनस ए और ये पाई बाई थ्री प्लस ए है, तो इन दोनों पदों को लेकर के आगे हम हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे कॉस ए कॉस पाई बाई थ्री माइनस ए, और फिर ये कॉस पाई बाई थ्री प्लस ए, आगे ये टू कॉस ए कॉस बी इस फॉर्म में आ सकता है, इसमें हम दो का गुणा और दो का भाग करेंगे तो वन बाई टू कॉस ए इस पद को मैं बाहर लिख रहा हूँ, और फिर टू टाइम्स कॉस पाई बाई थ्री माइनस ए इंटू कॉस पाई बाई थ्री प्लस ए। टू कॉस ए कॉस बी, चूँकि आपको पता है टू कॉस ए कॉस बी ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी,
तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम, आगे लिखेंगे 1/2 cos a, cos ऑफ a प्लस b, तो cos a का मतलब है पाई बाई 3 माइनस a, b का मतलब है पाई बाई 3 प्लस a, और फिर प्लस cos ऑफ a माइनस b, ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस a माइनस पाई बाई 3 और माइनस, और ये प्लस का गुणा होगा माइनस a। आगे हल करते हैं, 1/2 cos a इंटू कॉस, ये माइनस ए और ये प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा कॉस 2π/3, फिर प्लस कॉस, ये पाई बाई 3 प्लस और ये माइनस पाई बाई 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा कॉस ऑफ माइनस 2a। और चूंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो आगे हम इसे लिख सकते हैं 1/2 कॉस ए cos 2π/3 प्लस cos 2a। cos 2π/3 एक स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 1/2 cos a, ये मिल जाएगा माइनस 1/2 और फिर ये cos a, cos 2a। आगे हम इसे गुणा करके लिखते हैं, तो ये मिल जाएगा 1/4 cos a, इस पद का गुणा इसके साथ, फिर इस पद का गुणा इसके साथ लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 cos a इंटू cos 2a। अब ये जो माइनस 1/4 cos a है, इसे हम पहले लिख रहे हैं, और फिर 1/2, ये अगेन cos a cos b के फॉर्म पर आ रहा है, इसे दो का गुणा और दो का भाग करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 इंटू 1/2 और फिर 2 cos a cos 2a। ये पद माइनस 1/4 cos a, फिर ये 1/4 आएगा, 1/2 इंटू 1/2, 2 cos a cos b, इसे लिख सकते हैं cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो आगे cos ऑफ a प्लस b, तो ये a प्लस 2a आएगा, फिर प्लस cos ऑफ a माइनस b, तो a माइनस 2a। आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1/4 cos a प्लस 1/4 cos a प्लस 2a, दैट इज cos 3a, फिर cos a माइनस 2a, तो मिल जाएगा माइनस a, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्लस cos a। अब ये माइनस 1/4 cos a, फिर प्लस 1/4 cos 3a, फिर प्लस 1/4 cos a, ये पद धनात्मक है, ये पद ऋणात्मक है, कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1/4 cos 3a, और यही राइट हैंड साइड है जो हमें सिद्ध करना था। इसी प्रकार एक और प्रश्न है जिसे आप हल कर सकते हैं, वो यह कि आपको सिद्ध करना होगा sin a इंटू sin पाई बाई 3 माइनस ए इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस ए इक्वल टू 1/4 साइन 3a। यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन आपको कॉस के टर्म में दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर ये साइन के टर्म में है, साइन ए साइन बी वाले फार्मूले का उपयोग करके इस प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है 4 टाइम्स कॉस 12 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री इंटू कॉस 72 डिग्री, ये इक्वल टू होगा कॉस 36 डिग्री के, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, इन दोनों एंगल्स को सरल करेंगे, जैसे कि देखिए ये 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी, इस फॉर्मूले को ये बिलोंग करता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 cos 12 डिग्री और cos 48 डिग्री और फिर ये cos 72 डिग्री, इसे आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 cos 12 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री और फिर ये cos 72 डिग्री। चूंकि आपको पता है कि 2 cos a cos b ये इक्वल टू होता है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b के, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स cos 12 प्लस 48 प्लस
कॉस 12 माइनस 48 और फिर ये कॉस 72 डिग्री। आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस 60 डिग्री और इसका यदि हम गुणा कर दें तो मिल जाएगा कॉस 72 डिग्री, फिर प्लस कॉस ऑफ 12 माइनस 48 करेंगे मिल जाएगा कॉस ऑफ माइनस 36 और चूंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो यहाँ पर हमें मिलेगा कॉस 36 डिग्री और फिर ये कॉस 72 डिग्री। आगे 2 इंटू कॉस 60 है, कॉस 60 की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं दैट इज 1/2 और फिर ये कॉस 72 डिग्री। फिर ये कॉस ए कॉस बी फार्मूले को बिलोंग करेगा यदि इसमें हम 2 का गुणा कर दें, तो इसके लिए हम 1/2 और फिर ये 2 टाइम्स कॉस 36 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। देखिए दोनों पदों में 1/2 है कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2 और ये कॉस 72 डिग्री है, फिर 2 कॉस ए कॉस बी इसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो लिखते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 1/2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, आगे पद है कॉस 72 डिग्री प्लस कॉस 108 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा कॉस ऑफ माइनस 36 और चूंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा कॉस 36 डिग्री। कॉस 72 डिग्री हमें जो आंसर मिल रहा है ये 36 में है, ये कॉस 36 यहाँ तक पहुँच चुके हैं लेकिन इन दोनों पदों को हम आगे इस तरीके से सरल करेंगे कि ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो चूँकि कॉस ऑफ 108 डिग्री है तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180 माइनस 72 डिग्री और फिर ये प्लस कॉस 36 डिग्री। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री माइनस कॉस 72 डिग्री और प्लस कॉस 36 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा मिलेगा कॉस 36 डिग्री जो कि राइट हैंड साइड है जो कि हमें सिद्ध करना था।